ऐसा लगता है भारत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चीन को पूरी तरह से साफ करने के मूड में है, जहां भारत इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में बड़ी शुरुआत को अंजाम दे चुका है। बता दें कि अब भारतीय कंपनियां खुद से वो सब कुछ बनाने लग गई हैं जो पहले भारत या तो चीन से आयात करता आया था या तो उन्हें असेंबल किया करता था। सरल शब्दों में समझे तो मेड इन चाइना उत्पादों का बड़ा दबदबा है और अब यही दबदबा पूरी तरह से समाप्त करने के लिए भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां चीनी मार्केट को काटने के लिए मैदान में उतर चुकी हैं। दरअसल हम जिस भारतीय कंपनी की बात कर रहे हैं उसका नाम एलस्टा है, जो घरेलू बाजार में बढ़ती मांग को पूरा करने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी उपस्थिति का समर्थन करने के लिए एक विनिर्माण सुविधा स्थापित करने की योजना बना रही है, और ऐसा एलस्टा हर कुछ समय के अंतराल में करती आ रही है। यानी कि एलस्टा भारत में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने में लगी हुई है। बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेस, आईटी और मोबाइल एसेसरीज ब्रांड बनाने वाली कंपनी एलस्टा आंध्र प्रदेश के कड़पा में 250 करोड़ रुपए के निवेश से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करेगी और आने वाले 5 वर्षों में कंपनी घरेलू और निर्यात बाजार की मांग को पूरा करने के लिए अपना विस्तार करने में लगी है। बता दें कि शुरुआत में एलस्टा लगभग 50 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जो स्मार्ट टीवी और मॉनिटर की लगभग 10 लाख यूनिट का उत्पादन करेगा। और इसके साथ ही साथ कंपनी इस सुविधा से रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और डिश वॉशर जैसे घरेलू उपकरणों के उत्पादन में शामिल होने की योजना भी बना रही है, जिससे लगभग 500 से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर पैदा होंगे। वहीं कंपनी ने हाल ही में यूएई के बाजार में प्रवेश किया है, जहां उसने अपने उत्पादों को लॉन्च भी किया है, और कंपनी दुनिया के अन्य देशों में अपना विस्तार करने के लिए बड़े कदम उठा चुकी है, जिसकी झलक आपको आने वाले 6 से 7 महीनों में दिखनी शुरू भी हो जाएगी, क्योंकि अगले साल तक एलस्टा मध्य पूर्व और अफ्रीका क्षेत्रों के अन्य प्रमुख बाजारों में प्रवेश करने की योजना बना रही है। वहीं कंपनी को भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों परिचालनों से 2025 तक 1500 करोड़ रुपए के राजस्व की उम्मीद है। यहां आप समझ गए होंगे, भारतीय प्लेयर्स अब अपनी जड़ें गहरी करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं ताकि चीन को नक्शे से साफ किया जा सके।